Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Rizwan Heather and Mohsin Ali welcome you in this video. Umeed karte hain ki aap khairiyat se honge, behtareen honge, shandar honge. To dosto, World Test Championship ke jo points table hai us pe kal kyunki ek test match tamam hua tha. To jo bhi ek test match kisi bhi playing test playing nation ka tamam hota hai to uske baad phir points table pe farak padta hai. तो पॉइंट टेबल पे अब जो फर्क पड़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया है उसके बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया एट द मोमेंट टॉप पे है तो उस पर जरा डिस्कशन होगी कि पॉइंट टेबल अभी क्या पिक्चर दिखा रहा है और आगे क्या हो सकता है कि ये पॉइंट टेबल में क्या एक्सपेक्टेड तब्दीलियां आ सकती हैं कि जब सारी मतलब आगे के मैचेस फ्यूचर वाले जो मैचेस हैं वो हो जाएं तो एट द मोमेंट तो 60 के ऊपर दो ही टीमें हैं इंडिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नॉट फार बिहाइंड 59%. तो ये डिटेल में जरा बात करते हैं इस पे और पीएसएल में मैच है आज पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफी ज्यादा ही दिन हो गए हैं पिशावर जलमी का मैच भी देखे हुए क्योंकि वो बारिश होगी पिछले मैच में इस्लामाबाद का भी मैच वॉश आउट हो गया था तो आप कह सकते हैं कि दोनों टीमों का मोर ऑर लेस सॉर्ट ऑफ होम ग्राउंड ही है ये इस्लामाबाद जाहिर अल्पिन इस्लामाबाद साथ साथ जुड़े हुए पिशावर भी दो ढाई घंटे की दूरी पे है लेकिन पिशावर का अपना कोई जाती ग्राउंड तो है नहीं तो जो पठान भाई हैं काफी बड़ी तादाद में आते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए तो अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है इस मैच में भी गुफ्तगू करेंगे जी मोहसिन अली साहब कैसे मिजाज हैं आपके आज आर यू ऑल सेट टू गो टू द स्टेडियम एंड हाउ इज द वेदर टुडे बिल्कुल ठीक ठाक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग सत श्री अकाल नमस्कार ब्राइट सनशाइन All set to play a wonderful cricket match at a wonderful venue, Pindi Cricket Stadium. It will be a packed to capacity crowd, Babar lovers and Shadab lovers. You have rightly mentioned that Peshawar has no ground. So Babar Azam apni sari cricket khele Islamabad Pindi mein hai. To Babar ka ye bilkul sach kaha aapne, Shan Masood, Babar, Abid Ali, Shadab, Amir. ये सबका ये होम ग्राउंड है इट इज अ रियलिटी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नाम रखा हुआ इस्लामाबाद का अब तो चले माद वगैरह भी आ गए हैं तो यू कैन से और नसीम शाह वगैरह तीनों भाई भी हैं तो टू सम एक्सटेंड नाउ इट पोर्ट्रेज दैट इट्स अ लोकल टीम अदरवाइज इट वाज नॉट और देयर वाज अ टाइम व्हेन इमरान खान केम इनटू द पावर जावेद अफरीदी ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू ऑक्युपाई द इस्लामाबाद ग्राउंड्स Because they are like gold diggers, सोने की काने हैं ये तो हर एक की कोशिश होती है जरा माल पानी बना लें पिच बड़ी जबरदस्त है मैं सुबह थोड़ी देर के लिए गया था क्योंकि आपको पता है कजाब है दोबारा जो ये जिम्मेदारियां आ गई हैं तो बच्चों का ध्यान रखना है जी इनको पांच चाहिए इनको ये चाहिए इनको यूं चाहिए तो छह साल में इनकी आदतें तो बहुत खराब हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ट्यूब जब टायर से बाहर आती है वो समझती है कि मेरी वसत जो है ना हवा बढ़ते रहो वो फैलती जाती है वो ये समझती है कि अब मैं मुझे कोई टायर में नहीं डाल सकता हालांकि उसकी गलत फहमी है अब वो नुजल लूज करे छुस करती है यूं उसको लपेटते हैं मरोड़ते हैं और यूं टायर के अंदर डाल देते हैं तो ठीक होगा और इंशाल्लाह आज मैं वही हूंगा बस ये शो करके तो जाएंगे और मजेदार मैच होने की पूरी पूरी तवक्को है दोस्तों को बता दें थोड़ा सा हम लेट आएंगे रात में तो परेशान नहीं होना क्योंकि आई हैड टू बी देयर फॉर द मच अवेटेड डेब्यू ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आफ्टर अ लॉन्ग डिले सही बात कोई बात नहीं है तो दोस्तों को पता चल ही जाएगा बता भी देते हैं कि मैच से थोड़ा कोई 10-15 मिनट डिले या 20-25 मिनट डिले हो सकता है आधा घंटे का कम से कम डिले होगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सवाल और जवाब होंगे और मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता टू शो माय प्रेजेंस और फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग मैं क्वेश्चन करता हूं तो लोगों को पता चल जाता है क्या कर रहा हूं तो हौसला रखिएगा तो थोड़ा सा डिले हो सकता है ठीक है मतेश भाई कह रहे हैं जस्ट हियर टू विश यू टू अ ग्रेट डे थैंक यू जनाब मतेश थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिए और यू आल्सो आज बड़ा मजे की धूप निकली है मजा आ रहा है जो वेदर ठीक ठाक है चलो अच्छी बहुत मजे का वेदर है आज सही टिपिकल जो पिंडी इस्लामाबाद का
होता है इस मौसम मार्च का महीना होता है फूल शूल खिलने शुरू हो जाते हैं इस दफा क्योंकि डिलेड स्पेल ऑफ रेन्स है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सर्दी अब आई है लेकिन बहुत कमाल का मौसम यानी परफेक्ट डे रिजवान हैदर टू प्ले क्रिकेट परफेक्ट डे। भाई जान इतनी पिंडी की तारीफ ना करे मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी और सारा जमाना याद आ रहा है ये मौसम वाकई बड़ा अच्छा होता है। भाई जान मैं तारीफ नहीं कर रहा मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ चार महीने में जो आपने बारिशें ज्यादा देख ली है तो अपने घर को भी याद करें। और गॉर्डन कॉलेज में तो हम कभी कभार फुट के सामने वो लियाकत बाग में जाके बैठ जाते थे तब बड़ा मतलब उस वक्त तो वो लियाकत बाग होता था अब तो वो बेचारा बाग रहा ही नहीं। तो बड़ा हम क्रिकेट वगैरह वहां पे बहुत खेलते थे सो सारा दिन उधर टेप बॉल से क्रिकेट ही खेलते रहते थे खेल खुल के घर चले जाते थे जी कॉलेज से हुआ है बहुत बहुत मेहनत करके आए अमेजिंग डेज। तो इन दिनों मतलब फरवरी मार्च के बीच में फूल हर तरफ फूल निकले होते मजेदार माहौल होता था यार बस वक्त वक्त की बात। और इस दफा तो मार्च जो है वो रमजान की नजर हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ मार्च। चलो फूल तो खिले ही रहेंगे ना। अच्छा जी वर्ल्ड है गुलियां खिल के बिछड़ने को वाह 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 क्या याद करा दी आपने हमें भी ये गाना याद आ गया कुछ गुल भी याद आ रहे हैं कुछ तितलियां भी कभी कभी गुल वालियां भी याद आ रही हैं तितलियां भी ज्यादा होती है ना फूल के भाई जी 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 तितलियां ही तो होती है खुशबू चूसने के लिए आ जाती है और फंस जाती है। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकंवर प्रेम रोग ये हमारे जमाने की मोस्ट हॉट प्रॉपर्टी थी प्रेम रोग। एक एक गाना इसका रिजवान हैदर साहब सोने से लिखने वाला था मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा ये आपके ऊपर बड़ा फिट बैठता है क्यों तेरा इंतजार करता हूँ मैं तुझे कल भी प्यार करता था मैं कल ही करता था इसके आगे एडिटिंग हो गई तो दोस्तों इंडिया they're at the top of points table of world test championship at the moment 5 jeete hain 8 matchon mein se ek haar hai do haare hain aur ek match draw hua draw west indies wala aapko yaad hoga ek jeete the ek draw hua tha phir south africa mein ek haar mili ek jeet mili aur abhi ghar mein 4 match mein se ek mein haar aur 3 mein kamyabi mili series bhi apne naam ho chuki hai तो टेक्निकली अब इनके जो पॉइंट्स हैं तो वो 64.58 मतलब परसेंटेज पॉइंट्स तो इनके बन रहे 62 लेकिन पॉइंट्स पे टॉप टू टीमों का मुवाजना नहीं हो सकता टॉप टू टीमों का मुवाजना नहीं हो सकता पॉइंट्स टेबल पे परसेंटेज डिसाइड करेगी पॉइंट्स पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब इंडिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहा है और इंग्लैंड भी 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलते हैं अब इंडिया जब जाएगा ऑस्ट्रेलिया तो भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगा पाकिस्तान गया 3 मैच की खेला है वेस्ट इंडीज गया अभी 2 मैच की सीरीज खेला है अभी न्यूजीलैंड और इनकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया की 2 मैच की चल रही है तो फिर अगर पॉइंट टेबल पे तो कई टीमों ने अपने मैच काफी ज्यादा रखे हुए हैं तो पॉइंट टेबल पे तो फिर जो ज्यादा मैच खेलेगा उसके ज्यादा चांस है जी अपने पॉइंट्स बढ़ाने के जो कम मैच खेलेगा उसके कम मैच है पॉइंट्स बनाने के एक टीम अगर 20 इस साइकिल में जो फॉर एग्जांपल 20 मैच खेल रही है और एक टीम 10-12 मैच खेल रही है तो जाहिर है जो 20 खेल रही है उसको एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई हम ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लें सिंपल सी ये बात है और इस पे फिर डिसाइड नहीं हो सकता था जी किसने पहले और दूसरे नंबर पे फिनिश किया तो अब जो डिसाइड करता है वो परसेंटेज करती है कि जी आपके पास कितने टोटल पॉइंट्स अवेलेबल थे और आपने कितने हासिल किए ये सही फॉर्मूला है कि तमाम टीम्स जितने उनके पॉइंट्स पास पॉइंट्स अवेलेबल थे उसमें से हासिल कितने किए जितने हासिल किए हैं पॉइंट्स उसके मुताबिक आपका खुलासा हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। आई होप आई एम एबल टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड
सिंपल लॉजिक के अब फॉर एग्जांपल अभी तक ये जो 62 पॉइंट है ये पॉइंट इस तरह हासिल हुए हैं कि इसमें से जो 100 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल थे तो इंडिया ने हासिल किए हैं उसमें से 64.58 कि 100 नंबर का पर्चा था तो इंडिया अभी 64.58 के साथ पहले नंबर पे है। तो दूसरी टीमों का भी जितने भी टोटल 100-100 नंबर का ही पर्चा समझे आप एग्जाम, तो 100-100 नंबर का एग्जाम चल रहा है तो उसमें से जो परसेंटेज है वो 60% अभी न्यूजीलैंड ने हासिल की है, ऑस्ट्रेलिया 59.09। तो जो अवेलेबल पॉइंट्स है उसमें से जो परसेंटेज ये तीन कंट्रीज की काफी कमाल की है। तो इंडिया ने इस पे अभी इस मैच के बाद जो कल न्यूजीलैंड हारा है, पहले न्यूजीलैंड टॉप पे था, अब न्यूजीलैंड नीचे आ गया दूसरे नंबर पे और इंडिया टॉप पे है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया इज अ डेंजरस साइड, ये आमतौर पर टॉप पे रहती है और अभी चूंकि वेस्ट इंडीज वाला मैच इनको ठुका है अनएक्सपेक्टेडली, जो कि इन्होंने सोचा हुआ था जी बिल्कुल हलवा ही अमान तो ये मजे से खा लेंगे, पाकिस्तान वाले भी थोड़ा क्लोज आए लेकिन हार गए, तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही चल रहा था इनका अंटिल दे लॉस्ट दैट मैच टू वेस्ट इंडीज। फिर एशेज में भी इनके 5 मैच थे तो ये 2 मैच हारे, 1 मैच बारिश की नजर हो गया जो कि इनका पक्का हार लिखी हुई थी, बारिश की वजह से वो इंग्लैंड जो है वो एशेज सीरीज भी नहीं जीत पाया और वो तीसरा मैच भी नहीं जीत पाया, वरना ऑस्ट्रेलिया के थोड़े और पॉइंट कटते। तो ऑस्ट्रेलिया अभी तीसरे नंबर पे है, पॉइंट्स तो छोड़ने के इनके कितने हैं क्योंकि पॉइंट्स की फिर वर्थ नहीं है, आपको उसका काउंट करने का फायदा भी कोई नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटेज पे आ जाया करें कि किस टीम की क्या परसेंटेज है। पॉइंट्स आप देखें, पॉइंट्स टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया के इंडिया से ज्यादा है, 78 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन मैंने आपको जैसे समझाया कि पॉइंट्स का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज देखी जाएगी। तो जो टोटल पॉइंट्स अवेलेबल थे उसमें से 59.09% ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए, तो अभी तीसरे नंबर पे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड की टीम है, ये मैच इनको जो ठुका है अभी एक और भी मोस्ट लाइकली ठुकेगा क्योंकि पिछले बेताशा मैचेस में न्यूजीलैंड अपने घर में भी हार रही है, एक मैच इन्होंने ड्रॉ किया ऑस्ट्रेलिया से, तो बस इनके बहुत पतले हालात हैं, दूसरी टीमों के सामने शेर, ऑस्ट्रेलिया के सामने ढेर। तो इनके 60 पॉइंट है जी फिलहाल, और इसमें से एक मैच अगर और ठुक गया तो और कमी आ जाएगी। बांग्लादेश चौथे नंबर पे है, 2 मैच खेले हैं, 1 हारा है 1 जीता, सीधा सीधा 50% विन परसेंटेज बनती है, लेकिन ये वी अंडरस्टैंड के ज़ाहिरा नीचे आएगी जब और टॉप टीम्स के साथ खेलेगी। अभी इन्होंने इंडिया भी जाना है, इस दफा पाकिस्तान भी आना है, तो घर के मैच तो चलो कभी कोई एक आधा जीत जाएंगे एक आधा हार जाएंगे, लेकिन ये नीचे आ जाएंगे। पाकिस्तान का भी यही हाल है, 2 मैच श्रीलंका में जीत के बहुत खुशियां मना रहे थे, 2 मैच जीत लिए जी श्रीलंका में, बाकी वो कमाल किया था 2 मैच, श्रीलंका आसानी से जीतने नहीं देता, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ तो आपके सामने, 3 मैच हारे हैं 2 जीते हैं, तो विन परसेंटेज 36.66 है। फिर वेस्ट इंडीज है, 1 मैच जीता है 1 ड्रॉ किया है 2 हारे हैं, 33.33। बिल्कुल ऐसे ही, इंग्लैंड 9 में से 3 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ है और विन परसेंटेज बन रही है टोटल 19.44। 2 मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से, 1 इंडिया से जीता है, 2 इंडिया, 3 इंडिया से हारा है, 2 ऑस्ट्रेलिया से हारा है और 1 मैच वही ड्रॉ जो अगर इंडिया से वो बारिश वो उधर से खेला तो दोनों ही हारा हुआ है माशाल्लाह, कर्टेसी टू पाकिस्तान, अब उनके 0 पॉइंट है बिल्कुल, कोई
कोई जीतेंगे तो कोई, तो ये हालात पतली है. हालांकि श्रीलंका सरप्राइजिंगली लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर देवर इन द रेस, या देवर इन द रेस अंटिल द लास्ट मोमेंट. वो तो विलियमसन पड़ गया इनको, नहीं तो बड़ी अच्छी रेस पे जा रहे थे. हाँ, सरप्राइजिंगली ये काफी अच्छा कम्पीट कर रहे थे. पाकिस्तान भी एक टाइम पे कर रहा था, फिर वो इंग्लैंड आ गया. वो आपको याद ही होगा, वो मेरा सवाल बाबर आजम से करते कराते, तो वो रेस में से ऐसे ही रह गया ना, फिर सब कुछ रह गया, फिर कुछ भी नहीं रह गया. और फिर रेस में से ऐसा निकले हैं कि बस कुछ छठे सातवें नंबर पे फिनिश किया है. तो टोटल 9 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में. ये जो मैंने आपको 9 टीमों के नाम लिए, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका, 3 टीमें जो टेस्ट खेलती हैं. अब दोस्त कह रहे होंगे अफगानिस्तान और आयरलैंड वो टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था, टेस्ट मैच जरूर था. हाँ, अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, उनके जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता. तो टोटल 12 कंट्रीज को टेस्ट मैच खेलने की मतलब परमिशन है, इजाजत, व्हाटएवर यू से इट. लेकिन वो 3 चूंकि अब हल्की हैं तो इसलिए उनको बाहर रखा हुआ. अनुमति दी गई है कि 12 टीमें टेस्ट मैच खेल सकते हैं. तो जी मोहसिन अली साहब, ये ऐसी रहेगा पिक्चर ऐसी रहेगी या कोई तब्दीली इसमें एक्सपेक्टेड है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच भी होंगे आगे, और इंडिया ऐसे ही नजर आता है वैसे, पहले दूसरे नंबर पे, पिछले भी 2. रिजवान देखें, इंडिया की जो बंपी रोड थी ना वो खत्म हो गई है. अब जो है इनका डायरेक्ट टाकरा होगा डाउन अंडर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन ऑस्ट्रेलिया. अब वही है, बाकी ये देखें, नो डिसरिस्पेक्ट न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड, 2 टीमें बांग्लादेश वही आने लगा था, या बांग्लादेश, तो देखें दे मस्ट विन क्योंकि विलियमसन एक थ्रेट है, बस दैट्स इट. और न्यूजीलैंड में देखें रचिन रविंद्रा है या डैरिल निकल्स मिचेल है या निकल्स है या फलाना है, लैदम है या यंग है या कॉनवे है. कॉनवे 1.5 साल से इतनी बुरी फॉर्म में जा रहा है, Nobody is talking on that. अभी भी अंगूठा उसका फर्क हो गया, वो आधी आईपीएल से तो कंफर्म बाहर हो गया. तो वर्स्ट जैसे कहते हैं ना, बदतरीन उसमें है वो फॉर्म में, बदतरीन, बट nobody is talking. विलियमसन टॉप 4 में है. इसकी एवरेज कल किसी भाई ने बताया था कि टॉप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के खिलाफ इसकी क्या एवरेज है. ये भी साउथ अफ्रीका के बच्चे गली में लेके पकड़ गए, ठीक है, कसूर अफ्रीका का लीग को उन्होंने जो है प्रेफरेंस दी है अपनी, लेकिन गए तो बच्चे है ना, ये तो मानने वाली बात है. अब कोई ना माने तो उसकी मर्जी है. इंडिया के लिए जो मुश्किल है वो है ऑस्ट्रेलिया ड्रैग, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मुश्किल है वो है इंडिया ड्रैग. ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट इवन इन देयर नाइटमेयर्स वुड हैव इवन थॉट के दे वुड लूज टू वेस्ट इंडीज, टू दिस वेस्ट इंडियन टीम, दे वुड हैव Never, ever. And this GABA, the fortress of Australian cricket, which was destroyed, which was conquered by Mr. Rishabh Pant. You can say usme contribution sabki thi, Siraj wagaira the, Washington tha, Thakur tha, Pujara tha, Gill tha, but ultimately agar ek naam kisi ko dena hai, to you have to say that was Mr. Rishabh Pant. Wo aisa fata hua hai, Killa Rizwan Haider sahab, कि आप उस किले को हर कोई मिला आके दूध पी के ना खाला जी का घर से भेजता और आता और मजे से इनको चपेटे लगाता है ऑस्ट्रेलियंस को. ये एक मुश्किल रोड है. बाकी इंडिया को मेरा नहीं ख्याल है, अगर अपनी गलतियां करें तो तीसरी दफा लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइव, विच इज अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ बाय ऑल मींस. फर्स्ट टाइम इट वॉज न्यूजीलैंड, सेकेंड टाइम इट वॉज ऑस्ट्रेलिया, but for the very first 2 times it was India which managed to reach the final, and this would be the 3rd time. But they need to understand which playing 11, kyunki ab to inhe pata hai England hai, sari cheeze inhe pata hongi. Agar ab bhi ye IPL mein ghuse rahe ya compromised playing 11 khila di to phir inki marzi hai. And the moment to lag raha hai yahi do mulk hai jinke liye aap most likely defending champions,
और लूजिंग फाइनलिस्ट लग रहा यही है कि दे विल रीच द फाइनल्स वंस अगेन, क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा न्यूजीलैंड ने सिर्फ आज तक अपनी हिस्ट्री में दो दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया, सिर्फ दो दफा टेस्ट मैच में, तो मुझे नहीं नजर आता न्यूजीलैंड किसी भी सूरत में कम बैक कर सके। हाँ बारिश बारिश हो जाए तो कोई ड्रा हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नुकसान तो हो सकता है, न्यूजीलैंड को कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं हो सकता। हाँ सर, 35 मैचेस में सिर्फ दो मैच जीते हैं आप, डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया, कहते बड़े भाई हैं, वैसे तो राइवलरी दिखाते हैं, सिंगे बजाते हैं, जब कुट पड़ती है तो बड़े भाई हैं। इंडिया में अभी आएगी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, ये दो टीमें आएंगी, तो फिर इंडिया ने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो वो सीरीज भी काफी, इंडिया ऑब्वियसली एट होम दे आर फेवरेट, पिछली दफा भी वो न्यूजीलैंड एक मैच बचा गया था, पता नहीं कि जैसे तैसे आपके सामने पता ही आप नहीं आउट कर सके थे ना रहाने की कप्तानी में, तो दो मैच थे, तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑब्वियसली इंडिया दे आर द फेवरेट्स एट होम, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी अच्छी तगड़ी होने की तवक्को है, तो अब इसमें कोई एक आधा मैच इधर उधर ना हो जाए या न्यूजीलैंड कोई बहुत अच्छा ना खेल जाए, कुछ ना कर जाए, अगर घर में ऐसा नहीं हुआ ये चारों मैच घर पास आ गए तो फिर गुंजाइश रहेगी कि आप दो तीन मैच वहां पे अगर ऊपर नीचे हो भी गए पांच में से तो फिर भी विन परसेंटेज जो है वो ठीक ही रहेगी कि स्टिल यू विल मैनेज टू फिनिश एट द टॉप और एट द सेकेंड नंबर, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पे फाइनल हो जाएगा, इसमें ऐसा तो प्ले ऑफ वाला तो सीन होता नहीं है, तो पहले जो दो नंबरों पे फिनिश कर जाते हैं वही फाइनल खेल जाते हैं, तो इंडिया का ठीक ही लग रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी ये इंग्लैंड वाली सीरीज में जिस तरह बीच बीच में थोड़े से झटके लगे, लेकिन अच्छा सेटल डाउन किया इन्होंने और अभी सीरीज भी जीत चुके हैं, एक मैच अभी रहता है और ये मैच, इस मैच में भी कामयाबी जरूरी है, हर मैच में कामयाबी जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, वरना आप देखें पास्ट में शायद ऐसा होता हो कि सीरीज जीत गए हैं तो जो एक मैच है या तो उसमें अप्रोच ऐसी हो कि बिल्कुल ही टेस्ट क्रिकेट की रूह कांप जाए, इतना मतलब सुस्त खेल के, आई स्टिल रिमेम्बर वो अभी जो शारजा में पाकिस्तान ने मैच जीता था श्रीलंका से, क्योंकि वो सीरीज में एक मैच जीत चुका हुआ था श्रीलंका, ये आखिरी मैच था सीरीज का, वो वन नील अप थे सीरीज में, महिला जावरदीना वगैरह वो इतना सुस्त खेले, इतना सुस्त कि हम तो सीरीज तो जीते हुए जी चलो ठीक है, तो बहुत ही सुस्त खेले वो, तो आखिरी दो सेशन में अब पाकिस्तान को 300 से ऊपर चेज करना था, लेस देन टू सेशन मतलब कोई 56 ओवर थे इतने के आसपास, तो पाकिस्तान चेज कर गया वो, मिसबा वाज कैप्टन, तो फास्टेस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट हो गया, क्योंकि सीरीज ऑनलाइन थी, इन्होंने कहा जी 1-0 से हार जाएंगे तो बेहतर है कि आप जीतने की कोशिश तो करें, 2-0 से हार जाएंगे क्या हो जाएगा, फिर हार तो रही है सीरीज, लेकिन एटलीस्ट बहुत अच्छा और तेज खेलेंगे तो सीरीज तो बच जाएगी, तो फिर आपने हिस्टोरिक चेज देखा कि वो जो 300 से ज्यादा का जो चेज था फास्टेस्ट एवर जो है वो किया विद इन टू सेशन, तो बात इस कनेक्शन में कर रहा हूं कि अब टीमें पहले थोड़ा सा दिखती थी कि जी हम मैच ड्रॉ कर दें अब तो सीरीज अपने नाम हो चुकी है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपका एक एक मैच का जो असर पड़ता है आपकी विन परसेंटेज पे, कि आपके वो जो टोटल पॉइंट्स अवेलेबल है उसमें से आपने मैक्सिमम हासिल करने हैं, अगर आप ड्रॉ के लिए खेलेंगे तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि हर मैच में से 12 निकल के आते हैं वो नहीं मिलेंगे, आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, तो नुकसान होता है, तो इसलिए हर मैच जरूरी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेट्स सी, आज 4 तारीख है, 5-2 दिन है बीच में, उसके मौसम वगैरह भी उस पे देखते हैं कि मौसम से पूछते हैं क्या रिपोर्ट है वहां पे, तो ये भी बड़ा वाइटल मैच है ये जो पांचवा वाला आ रहा है, उसके बाद फिर आपके जो घर में मैचेस होंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड वाले वो, और फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया ने 3 अवे सीरीज होती है 3 होम सीरीज होती है, तो 2 अवे तो हो गई है, एक वेस्ट इंडीज की हो गई है और एक साउथ अफ्रीका की हो गई है, घर में अभी आप इंग्लैंड से खेल रहे हैं, एक ये हो जाएगी, 2 अभी हो जाएंगी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से, और एक अवे जो रह गई है वो ऑस्ट्रेलिया वाली है,
ये जो इस साल के एंड पे होगी तो छह सीरीज आपकी पूरी होगी। तो पाकिस्तान ने भी अभी साउथ अफ्रीका जाना है, ये क्या भाईजान मेरी बात मुझे क्यों आ रही है? और यार ये किसी अकलमंद ने बीच में कॉल कर दी है। अच्छा चलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही, आपको आ रही है? आवाज कम हो गई है, मैं दोबारा जा। अच्छा तो बात वो हो रही थी कि पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका जाना है, बांग्लादेश भी जाएगी पाकिस्तान, और इंग्लैंड भी जाएगी पाकिस्तान। तो लेट्स सी, पाकिस्तान के तो चांसेस फिर आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका भी सामने है, दो मैच उसके भी, दो तीन मैच जो भी सीरीज होगी, दो या तीन मैचेस की, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई एक आधा मैच इन्होंने निकाला होता तो कुछ ना कुछ कोई बात बनती, लेकिन चूंकि अभी ऐसा नहीं है तो लेट्स सी। पाकिस्तान के चांसेस तो रियलिस्टिक अप्रोच ही रखनी चाहिए। लास्ट टाइम इनका सबसे बेहतरीन चांस था, इन्होंने वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और ये क्या कहते हैं बांग्लादेश, ये तीन अवे थी जो कि एशियन कंडीशन के एतबार से सिमिलर किस्म की कंडीशन होती हैं, बांग्लादेश श्रीलंका और वेस्ट इंडीज। और घर में जो आना था वो तीनों तगड़ी टीमों ने घर में आके खेलना था, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, फिर भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अभी तो हमने न्यूजीलैंड उधर जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया से हम होके आए हैं, तीनों मैच हार के आए हैं, तो हमारे चांसेस फिर जो रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि कम ही है। अच्छा जी, ये आपका जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है जो कि मैं अभी बात कर रहा हूं कि कैन पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट सेमीफाइनल, बिग फैन, लव यू। थैंक यू जनाब विजय साहब। अभी मैंने एक लम्हा पहले इसका जवाब दिया कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो रियलिस्टिकली बात की जाए तो नहीं है, इतने कम है, बहुत कम है, और कोई एक्सेप्शनल क्रिकेट ये खेल जाए, कोई साउथ अफ्रीका में कोई, चलो दो नहीं दो मैच हैं तो एक जीत जाए एक हार जाए, घर में फिर ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए ज्यादातर मैचेस जीते तो फिर जाके पॉसिबिलिटी निकल सकती है, और वरना तो मैंने आपको बताया कि ये घर में ही पिछला इनका सीजन गया, आठ मैच ये घर में खेले थे, तीन ऑस्ट्रेलिया से, तीन इंग्लैंड से, दो न्यूजीलैंड से, और ये कितने मैच जीते हैं? जीरो। तो जो आठ आठ टीम मैच घर में खेल के कोई मैच नहीं जीत पा रही, अब ऑल ऑफ अ सडन 6-8 महीने में, एक साल में ऐसी क्या तब्दीली आएगी कि वो क्या ऐसा कुछ हटके कर लेंगे कि जी आप वो फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। बॉलर्स मोर और लेस वैसे ही हैं, स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल नया है, बैटिंग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, सऊद शकील वगैरह यहाँ पे तो अच्छे ही कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में डिसअपॉइंट किया, सलमान आगा वगैरह यहाँ पे ठीक ही कर रहा है वो, तो ऑल कैप्टन चेंज हुआ है, ठीक है, तो अब शायद कुछ अप्रोच भी चेंज हो, लेकिन जो रमीज राजा एंड कंपनी ने विकटों का पिचेस का हाल किया था यहाँ पे वो बड़ा बेहाल था काम। तो जो टीम अपने घर में आठ मैचेस खेल के होम सीजन में कोई एक भी ना जीते, चार मैच हार जाए और बाकी के ड्रॉ हो जाए, और वो जो न्यूजीलैंड से भी एक मैच जो ड्रॉ किया था बिल्कुल गिरते पड़ते हारते 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 बचे थे, तो फिर क्या मतलब वो टीम कैसे क्वालिफाई करेगी? तो मैं पाकिस्तानी दोस्तों को मेरी बहुत बहुत ही ख्वाहिश है, एक अच्छी और बड़ी ख्वाहिशों में से एक है कि इंडिया पाकिस्तान भी टेस्ट मैच में आमने सामने आए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर टॉप में फिनिश कर जाए इंडिया पाकिस्तान तो फिर ही पॉसिबल है, लेकिन अब वो एक ख्वाहिश और ख्वाहिश ही रह जाएगी क्योंकि आपको पता है वो रियलिटी से काफी दूर है। हकीकत में तो इंडिया तो पहुंच ही जाता है, पहले दफा भी पहुंच गया, फिर हर दो साल का ये सिलसिला होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, पहली बार भी फाइनल खेला टॉप पे फिनिश किया, दूसरी बार भी टॉप पे फिनिश किया, आज जीत नहीं पाए वो एक अलहदा बात है, लेकिन टॉप पे तो फिनिश किया, अभी भी चल रहा है, अभी एट द मोमेंट दे आर एट द टॉप और शायद के टॉप पे फिनिश कर जाए। अब नाउ इट इज अप टू पाकिस्तान टू टेक देयर गेम टू द नेक्स्ट लेवल,
तो फिर ही कोई बात बनेगी। और आपका जो सवाल है, मुश्किल चांस है पाकिस्तान के। पढ़े जी नीरज बोरा साहब आपके सवाल पूछने। वालेकुम अस्सलाम। प्रिडिक्शन मोहसिन भाई, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका एंड पीएसएल। पीएसएल देखें जी, पिंडी की पिच का भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। पिंडी की पिच दो तरह की बन सकती है या दो तरह की है, एक जैसे रमीज राजा ने कर दिया था, लेकिन आपने देखा था पाकिस्तान वाज जस्ट ब्रीदिंग एट देयर नेक, बिल्कुल इंग्लैंड को पकड़ लिया था, दबोच लिया था, जो भी 300 प्लस का टारगेट था और 85 एंड में सिर्फ 85 था, 5 विकेट रहती थी और हम रह गए। तो पिंडी की पिच तो बड़ी जबरदस्त है और इसको आप या तो रमीज राजा की तरह डेड कर दे या इसको ओरिजिनल छोड़ दे। ओरिजिनल है, ये बैट्समैन बॉलर दोनों को हेल्प करती है, डेटोरिएट नहीं होती, टूटती फूटती नहीं है, बहुत अच्छी रहती है दोनों बारियों में। जीत कौन सकता है? देखे इस्लामाबाद के ज्यादा चांस है जीतने के, उनकी सेटल्ड यूनिट है, अच्छे प्लेयर है, बॉलिंग भी तगड़ी है, जल्दी मार खाएगी अपनी बॉलिंग से। तो मुझे लगता है यूनाइटेड फेवरेट्स होगा आज के मैच में। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका T20 मैच है, बांग्लादेश के अंदर है और ऑफ लेट श्रीलंका जो है इतना अच्छा खेल नहीं रहा है, मिक्स रिजल्ट दे रहा है। अभी देखना यह है क्या उनके सारे प्लेयर अवेलेबल है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश फेवरेट होगा अपने घर में। Who is better spin player, Root, Kane, Williamson or Smith? बताइए। Kane is best when it comes to playing spin। आप देख लें उसके, ठीक है हम विकेटें भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड कंपैरेटिवली स्पिनर्स के खिलाफ बहुत अच्छा है इन तीनों में से अगर आप बात करें। अच्छा, फैबुलस फोर में कोहली का नाम भी नहीं लिखा आपने वैसे। चलो आप इन तीनों की, लेकिन उन्होंने इन तीन का पूछा है ना, उन्होंने तो फैब फोर की बात नहीं की मेरा ख्याल है। देखिए तीनों ही बहुत अच्छा लाजवाब खेलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड तो अच्छा है, फिर एशिया में रूट का, स्मिथ का ज्यादा बेहतर अच्छा रिकॉर्ड है। विलियमसन ने सिर्फ हमारे खिलाफ यूएई में ही अच्छे अच्छे रन किए हैं, तगड़े तगड़े, बाकी कोई बहुत एक्सेप्शनल मतलब 200 जो है अब आके एशिया में करना रूट ने किया है। स्मिथ की ठीक ठाक सेंचुरी है इंडिया के खिलाफ, तो दे आर ऑल गुड। मतलब अब एक आधे को पिक करना, अब रिकॉर्ड आपके सामने ही है रूट का, पिछले दफा भी 200 किया था, स्मिथ का भी देखिए और वो भी इतना मतलब लाजवाब खेलता है, स्पिनर्स के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेलता है। विलियमसन ही प्लेज वेरी लेट और उसकी भी कमांड है, अच्छे हैं तीनों ही, अच्छे हैं स्पिन के खिलाफ, दे आर टू गुड। व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग टू इंप्रूव देयर टीम, टेस्ट टीम? अभी तो कोई मैच नहीं है फिलहाल, नथिंग नथिंग नथिंग। वो देखे हारिस रऊफ ने, वो देखे इनके मालिक एक तरफ समीन राणा कहता है कि जनाब शाहीन बैस की कप्तान है, वो हफीज से, गेल से, अपना और क्या इन सारों से वो बेस्ट कप्तान है अजहर वजहर से, बंदा इनसे पूछे। और दूसरी तरफ कहता है जी बोर्ड ने बड़ा जुल्म कर दिया हमारे प्रीमियर फाइव। देखिए इनकी कॉल और फेल में तजाद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तप्पड़ नहीं है, एक थप्पड़ मारे इन सारी फ्रेंचाइजीज को कि चलो दौड़ो हम दूसरी ले आएंगे। बेड़ा गर्क किया मैं पहले सीजन से, जो पैसे थे आखिरी सीजन तक वही चल रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब वो रोता पीटता, वो देखे हारिस रऊफ ने अपील कर दी है। यार ये कोई अदालत का केस है कि आप अपील कर दें जी के मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बाहर? फिर तो अय्यर, किशन, जो जो है इन सबको अपील कर देनी चाहिए। यानी बोर्ड का कोई प्रोवोकेटिव ही नहीं है, बोर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिसका दिल करे भाँ भाँ करे और डराए धमकाए और कहता मैं, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल आपका समीर राणा साहब है जरा बताएंगे आप? 0 = 0। पहले तो आप बिल्कुल जमीन से गायब थे, वो आपके फवाद राणा साहब जिनसे लोग इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे, सही कलंदरी बंदा था। आप भाई तो जो बाकी हैं वो तो सिर्फ आसमान में उड़ते रहते हैं, दैट्स इट। और आपको एक मिल गया वो आकिब जावेद, और कुछ और आपके लपाटे,
तो माजरत के साथ आप बहुत ज्यादा आपकी जबाने बड़ी हैं, काश कोई यहाँ एक्शन हो। एसएस स्पोर्ट्स कह रहे हैं 100% कंफर्म दैट पंत इज बैक एज विकेट कीपर बैट्समैन इन सितंबर वर्सेस बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। व्हाट अबाउट जुरेल, आप किसको पिक करोगे, पंत को या जुरेल को? लव योर एनालिसिस। देखिए जी, बात ये है कि ये तो सबको पता है कि कल एनओसी मिल जाएगा उसको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियरेंस, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इंडिया का, ऑब्वियसली उसके बाद चीजें अनफोल्ड होंगी। देखिए हम लोग बड़े जालिम हैं, हम एक सेकंड में फैसला कर लेते हैं कि पंत नंबर वन है और जुरेल जो है वो नीचे चला गया। जुरेल ने जो दो इनिंग्स खेली हैं, ये जो आज आप सीरीज जीत के सीने पे ताज सजाए बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पंत की ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनती है जिस तरह का उसका रिकॉर्ड। बट देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट, पहले वो होने दें, आईपीएल होने दें, किस तरह किस फॉर्म में है। यस, टी20 और टेस्ट में बड़ा फर्क है, और यस पंत जो है टेस्ट में एक सर्टिफाइड टेरर है, एक सर्टिफाइड प्रूवन स्टफ है, बट let cricket, let him play some cricket, let some cricket under his belt, then decide. I feel like that. Anji, aise hi hai. It's nice to have quite a few options ki jo aap ek dusre ki absence mein khila sakte hain. Akshar Patel, Jadeja kathe bhi khelte hain, lekin ek dusre ki bilkul behtareen replacement hai. अश्विन और वाशिंगटन सुंदर भी ऐसा एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते, पास्ट में खेला भी हुआ है। विकेट कीपर पे आपके पास चूंकि कोई बहुत अच्छा ऑप्शंस नहीं थे, यू केप्ट सर्चिंग हियर देयर 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 एंड पे केएस भरत, ही गॉट द अपॉर्चुनिटीज, ही कुडंट डिलीवर। नाउ जुरेल, ऑल ऑफ अ सडन दिस गाय वाज पिक्ड एंड देन ही पिक्ड इन द प्लेइंग 11 और परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो इट्स नाइस टू हैव बेंच स्ट्रेंथ कि अगर अभी हक पंत का ही बनता है वही वापस आएगा डायरेक्ट, वही टीम में उसको आना चाहिए, थोड़े से मैच खेल के प्रैक्टिस वगैरह कर कर आके तो वापस उसी को आना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में कोई इंजर्ड हो जाए तो आपको बिल्कुल देख लम्हे के लिए भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा जी उसका कौन आगे खेलेगा, जुरेल आगे खेलेगा। तो ऐसे ही काम होना चाहिए। और अभी आप बोलेंगे जी पहले पंत जाए, सारे दो सीजन डोमेस्टिक में खेल के आए और सब कुछ ये करे कराए, तो ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। उसने टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार जो एक फॉर्मेट में जो सबसे ही अच्छा परफॉर्म किया है वो टेस्ट ही है। टेस्ट क्रिकेट में उसकी जो इनिंग्स हैं वो लाजवाब हैं, टेस्ट इनिंग्स में उसने अपना नाम और मुकाम बनाया है, टेस्ट इनिंग्स में ही टेस्ट मैच खेलते हुए उसने अपने फैंस बेतहाशा बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसका राइट है कि अगर वो अपने बेस्ट कुछ प्रैक्टिस वगैरह मैचेस वगैरह कर कर आके खेल खिला के आके पता चल जाता है, अगर वो बेस्ट के करीब आता है जो मतलब जिस तरह खेलता था उसके करीब भी आता है, अगर 100 नहीं तो 90 से अबव भी जाता है तो उसको चांस मिलना चाहिए। और फिर जुरेल जो है जाहिर है ही हैज टू वेट कि जब कभी जरूरत हो तो फिर ये खेले। अच्छा जी, इंडिया के लिए इन्हें तो खुश होना चाहिए कि अब ये नहीं होगा कि भर्ती का एक बंदा, अब तो भाईजान पूरी पूरी एक मैच पड़ेगा, पूरा जोर लगेगा और बेस्ट अंदर आएगा। जी ऐसा ही है जी। तो बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है जी, मैच शुरू हो जाएगा एक दो मिनट के बाद। बाकी इस्लामाबाद और पेशावर जलमी जी भाई, आपने किसको पिक किया? मुझे लगता है यूनाइटेड जो है इस मैच में फेवरेट्स है। तो यूनाइटेड इस मैच में फेवरेट आपको लग रहा है? वहां यूनाइटेड की बॉलिंग बॉलिंग की ज्यादा वजह है, पेशावर की जो बॉलिंग है ना, दे हैड अ लॉट। हाँ, अगर ये तगड़ा स्कोर देखे पिंडी के अंदर 200 मसले ही नहीं, आपने पिछली दफा भी देखा है वही अर्ज कर रहा हूँ, 200 तो मसला ही नहीं, तो उसके ऊपर भी कोई मसला नहीं है। और पेशावर की बॉलिंग बहुत ही माजरत खाना सी है, तो सलमान इरशाद तो एट टाइम्स लगता है वो गली में लेगा बॉलर कर रहा है बॉल, तो मेरा ख्याल है दे विल स्ट्रगल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग।
यूनाइटेड एज एज एंड दे नो द ग्राउंड. यस, बाबर को भी पता है ग्राउंड का, लेकिन बाबर से ज्यादा शदाब वगैरह जो है, इमाद, इमाद को तो एक एक इंच, इमाद तो लोकल बॉय है, तो उसको भी सारा ये स्नैन शाह वगैरह वगैरह, इन नसीम शाह वगैरह, नान उबैद, सबको पता है ये ग्राउंड. तो इट विल सूट इस्लामाबाद मच बेटर देन जलमी. इट डिपेंड्स, अभी जाऊंगा देखूंगा पिच की क्या सूरत हाल है, फिर मजा आएगा. लेकिन यूनाइटेड मेरे नजदीक फेवरेट है. उधर आरसीबी के आज हर सूरत में लड़कियों का जीतना पड़ेगा. अगर यूपी वारियर ने हरा दिया तो आरसीबी वही काम होगा जो लड़कों का होता है, टाइटल जो है. और इस दफा बेंगलुरु में हो रहे हैं. देखिए, अपने घर में मैच भी ना जीत सके तो कहां जीतेंगी फिर ये. सही बात है जी, ऐसे ही है. और पेशावर जलमी 7 पॉइंट्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 पॉइंट्स हैं. 6-6 मैच हो चुके हैं और जाहिर है कि 3 मैच फिर पेशावर जीता हुआ है, 2 इस्लामाबाद जीता हुआ है. तो जो इनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक इनकी परफॉर्मेंस है नहीं इस्लामाबाद की. दे आर अ बेटर साइड, दे आर अ बेटर साइड ऑन पेपर एज वेल. सो दे आर प्लेइंग एट देयर होम ग्राउंड. और बहरहाल आई वॉन्ट पेशावर के वही जीते. हालांकि सपोर्ट बेशक ये ग्राउंड दोस्तों है, ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन पेशावर की भी मैसिव सपोर्ट होगी. पेशावर की जैसे आपको ग्राउंड के अंदर तो सारी बात है, पठान भाई जो है वो इस्लामाबाद को आउट नंबर कर देंगे. और बाकी शोएब अख्तर वगैरह सब दोस्त इधर उधर ऐसी बात करते रहते हैं, बाकी के बाबर आजम ब्रांड ब्रांड ये वो दिस एंड दैट. लेकिन बाबर आजम की वजह से भी पेशावर जलमी की सपोर्ट में बहुत इजाफा हुआ कि जी आप ये बाबर आजम इसमें खेल रहा है तो उसकी जो सपोर्ट है उसमें कराची छोड़ने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में भी बड़ा निखार आया. जैसे मुल्तान आया, रिजवान हर प्ले ऑफ खेला है जब से ये आया, और 3 लगातार फाइनल भी खेला है मुल्तान, ये भी जरा जहन में रखिए. तो अब चूंकि पेशावर का अपना तो होम ग्राउंड है नहीं, जितने भी पेशावर के सपोर्टर है वो बसें भर भर के उनका जो ऑनर है वो पेशावर से लेके आता है. तो अब यहाँ पे पेशावर जलमी की सपोर्ट में भी काफी इजाफा हुआ है जब से बाबर आजम कप्तान बना है. और पिछला सीजन अच्छा गया इसका और अभी भी अच्छा ही चल रहा है. अभी 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ओवरऑल, पिछली दफा भी 140 के बियॉन्ड के स्ट्राइक रेट से खेला है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है. तो आई होप कि अच्छा क्लोज मैच हो. और काफी ये अगर पेशावर मैच जीत गया तो ऑलमोस्ट जो है उनका भी प्ले ऑफ सॉर्ट ऑफ थोड़ा समझे कि बस एक कदम उनका प्ले ऑफ में चला जाएगा. जैसे कि पेशावर क्या मुल्तान का तो कंफर्म हो गया, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ. यस्टरडे दे वन द मैच, नाउ दे हैव क्वालिफाइड, दे हैव 6 विक्ट्रीज. तो अब बाकी जो टीमें हैं अब उनका देखना है कि वो ऐसा कर सकती हैं कि नहीं. अब जो हालात हैं कराची के और लाहौर के वो तो आपको पता ही है. बाकी अब जो टीमें हैं मोस्ट लाइकली यही नजर आ रही हैं, दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे जो है अब यही प्ले ऑफ में जाएंगी. कुछ इसमें से हिसाब किताब ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, जो रिजल्ट है वो सजेस्ट करेगा. लेकिन अगर आज पेशावर जीत गया तो आप कह सकते हैं कि उनका भी एक कदम जम जाएगा प्ले ऑफ में और 9 पॉइंट्स पे वो भी चले जाएंगे. सो लेट्स सी, एक्साइटिंग मैच होने की तवक्को है. What should Pakistan do to improve test team's performance? Format to format player देखें, अच्छे coaches लगाएं, local जो proven staff हैं उन पे ध्यान दें. ये बाहर के जो बैठ के लबड़ गबड़ हैं उनको जोड़ें, लानत भेजें उन पे. टेस्ट टीम देखें, टेस्ट टीम ऐसे नहीं बनती कि मुझे शान मसूद नहीं पसंद है, मुझे बाबर पसंद है, मुझे रिजवान नहीं पसंद है, मुझे सरफराज पसंद है. ऐसे टीमें और कौमें नहीं बनती. आपको अनबायस्ड होना होता है और आपको अपने मुल्क के लिए, टीम के लिए अकॉर्डिंगली फैसले करने होते हैं, और तल्ख फैसले. ये मोहसिन नकवी का बड़ा स्टिफ किस्म का टेस्ट होगा इसके रिजॉल्व का कि ये कितना कमिटेड है. अभी तो खैर एक तूफान आने वाला है रिजवान साहब पीसीबी में, बहुत मैसिव पैमाने पे रद्दो बदल होने जा रही है, उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है. अल्लाह करे मुल्क के मफाद में, बोर्ड के मफाद में हो.
अच्छा क्या तब्दीली एक्सपेक्टेड है वैसे भाईजान? मैं मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत सारी उगाड़ पुगाड़ है, सिक्योरिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अंदर जो ये बहुत सारे कई सौ साल से बैठे थे सबकी छुट्टी होने वाली है। ठीक है जी। मोहसिन नकवी इंतजार कर रहा था जरा गवर्नमेंट आ जाए, तो आ गई। अभी तो वो जरा घूम रहे हैं बाहर, थोड़ा सैर सूर कर रहे हैं, थक गए हैं, इतने दिन सीएम भी रहे हैं, तो अब जरा उन्होंने कहा थोड़ा थकन उतार के आऊंगा। पढ़ें जी क्या लिखा है एस जी स्पोर्ट्स। जुनैद की बैटिंग देखकर पंत कंचे खेलता है, इंस्टा स्टोरी जस्ट फॉर फन, फॉलिंग फ्रॉम फोर ईयर्स, मोसेस आर बिग रिस्पेक्ट फॉर यू गोल्डन हार्ट, बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू जी। पंत को कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द टीम ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, इट इज नॉट द टीम ऑफ पंत और जुरैल्स ऑन दिस एंड दैट। सो एवरीबॉडी हैज टू अर्न एंड कमांड, द पर्सन हु इज सुटेबल फॉर द टीम मस्ट प्ले इररिस्पेक्टिव हुम वी लाइक और वी डोंट लाइक। अगर एक बंदा मुल्क के लिए जरूरी है उसको आना चाहिए। मतेज कह रहे हैं अश्विन मे बी बेटर बट नितिन लॉयन इज मोर वर्सटाइल। देखिए यार उसको हर जगह खिलाया गया ना, देखें एक बंदे को हर जगह बकअप किया गया। अश्विन को आप कंडीशंस के ऊपर बिठा देते हैं तो अब अश्विन क्या करे, जहां उसे खेलना चाहिए आप उसे बाहर बिठा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया का देखिए, वो घर में खेले बाहर खेले किसी भी कंट्री में जाके खेलें, उनका जो लॉन स्पिनर है वो नथन लॉयन ही रहता है until unless he is not available due to injury or some other reason। वो बहुत ही कम होता है, वो तो उसका एक्शन भी काफी स्मूथ है और उसका कोई इंजरी का कोई ऐसा कोई मसले रहते भी नहीं है। तो वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेले, न्यूजीलैंड में खेले, पाकिस्तान में खेले, इंडिया में खेले, बांग्लादेश में खेले, श्रीलंका में खेले, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड में, तो यही टेस्ट प्लेइंग नेशन है जो मैंने बता दी सारी आपको। जहां जहां भी वो खेले तो वो उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होता ही है, वो सारे मैच खेलता ही है। इसीलिए 10-12 साल के अंदर अंदर अगले ने 500 विकेटें पूरी कर ली, क्योंकि वो मैच कोई मिस ही नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया ठीक मैच खेलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया अच्छे मैच खेलते हैं, ज्यादा मैच खेलते हैं टेस्ट मैचेस। अब चूंकि वो सारे मैच खेलता है, हर जगह पे खेलता है, चाहे पिच ग्रीन है तो भी खेलेगा, पिच जो है वो बहुत ग्रीन है तब भी खेलेगा, हर तरह की कंडीशन में और हर कंट्री में हर मैच वो खेलता है। वो एक उनका स्पिनर उन्होंने पक्का रखा हुआ है। तो एक तो वजह ये है कि उसने उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, आप फिर हर जगह जाके आउट भी करना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है, यू गोना प्ले व्हाटएवर द कंडीशंस आर। तो आप ये देखिए मुरलीधरन और वॉन के बाद शायद ये तीसरा स्पिनर बना है कि जिसके हर कंट्री में टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट में फाइफर है। ये यूएई में छोड़ के, आप खैर यूएई में तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था, वहां पे इसका फाइफर नहीं आया, पाकिस्तान में आ गया था जब आया था खेलने के लिए। तो सिर्फ यूएई को छोड़ के बाकी जितनी भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जहां जहां ये गया इसने फाइफर भी लिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। ओवरऑल एवरेज की बात करें तो एवरेज अश्विन की बेहतर है नथन लॉयन से, मैचेस भी कम है और एवरेज स्ट्राइक रेट वगैरह ठीक है, बेहतर है। अब बीच में और मसला से और अश्विन जो है वो ज्यादा मुझे डेंजरस बॉलर दिखता है इसकी निस्बत, लेकिन खैर ये भी अब ठीक ठाक आउट कर रहा है। मेन फर्क यहीं पे पड़ जाता है कि ही प्लेज ऑल द मैचेस, और जब आप घर से बाहर जाते हैं फिर इफ्स एंड बट का शिकार हो जाते हैं जी, किसको डालें किसको ना डालें। जडेजा खेलता है बट बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग। और अश्विन जो है उसको भी आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पिछले साल जो मैं भी गया था देखने के लिए ये लंदन ओवल, हालांकि उसका वो डोमेस्टिक का होम ग्राउंड था, और फिर आपने देखा कि उसको मिस भी किया आपने, तो उसको काफी दफा इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो ये वजह है कि वो की मोमेंट में फिर आपको वो होता ही नहीं है, तो आप वो परफॉर्मेंसेस क्या दिखाए।
अब नथन लॉयन हर मैच में होता है तो आपको परफॉर्मेंस याद रह जाती है, यार देखें जी उस मैच में भी इसने आउट किया था उसमें भी। तो आप जब इंडिया घर से बाहर मैच खेलेगा तो आधे मैचेस में वो अश्विन खेलेगा आधे में नहीं खेलेगा, तो जब वो होगा ही नहीं तो क्या परफॉर्मेंस देगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। वैरायटीज के एतबार से बात करें तो आई थिंक अश्विन हैज मोर वैरायटीज देन नथन लॉयन। सो दैट्स इट जी, फिर अभी इजाजत चाहते हैं आपसे, इंशाल्लाह फिर आपसे रात में मुलाकात होगी और मैच होपफुली अच्छा हो, तगड़ा हो। मौसम साहब जाएंगे और जाके फिर हाल बताएंगे हमें कैसा था। मैं इनकी कुर्सी पर रिजवान हैदर लिख के रख दूंगा कि ये रिजवान की कुर्सी है, खबरदार कोई इसके करीब भी आया तो। कुर्सी तो आती जाती रहती है, कोई कुर्सी का वसा नहीं है। नहीं, वो ऑब्वियसली मीडिया सेंटर में पहली दफा होगा आफ्टर 3-4 ईयर्स कि आपके बगैर मैं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाता। सही है, लेकिन चले अभी तो आप प्रेसिडेंट बने, नहीं जाना तो है, जाना तो पड़ेगा साहब, पैसा तो नहीं हो सकता। चले जाए, एंजॉय करें आप भी, और दोस्तों आप भी लाइक और सब्सक्राइब करें और ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।